नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम क्रीमी और फटाफट बनने वाली मैक्रोनी की रेसिपी, जो बिना किसी झंझट के है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। यहाँ हमने गैस पर एक पैन रखा, पैन में डालेंगे हम 2 कप पानी। हमने 1 कप मैक्रोनी ली है तो उसके हिसाब से हम लेंगे 2 कप पानी। गैस ऑन कर देंगे, हमने गैस ऑन कर दी है और इसको लिड लगा देते हैं जिससे कि पानी जल्दी गर्म हो जाए। या पानी गर्म हो गया, गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। यहाँ हमने 1 कप मैक्रोनी लिए, उसको डाल देंगे। इसको ढक के पकाएंगे मीडियम आंच पर। हम अपनी मैक्रोनी को पकाएंगे। यहाँ हमने 1 बाउल में 1.5 कप दूध लिया है। अब दूध में डालेंगे 2 कप और 2 चम्मच मैदा। दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर है, दूध गर्म ना ले, नहीं तो हमारी मैदा की गाँठी पड़ जाएंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेज की सारी गाँठें ख़त्म करनी है अच्छे से। हम रखते हैं इसको साइड में, अपनी मैक्रोनी देख लेते हैं। यहाँ हमारा मैक्रोनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं एक बारी। अब हमने जो दूध में मैदा घोल के रखी थी, अब उसको हम डाल देंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे जिससे कि दूध में जल्दी उबाल आ जाए। इसको हम ढक देते हैं जिससे कि दूध में जल्दी उबाल आ जाएगा। यहाँ दूध में उबाल आ गया। इस समय डालेंगे हम नमक, डालेंगे 1 चम्मच नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार गैर सकते हैं। यहाँ डालेंगे 1.5 चम्मच पिज्जा सीजनिंग, आप चाहे तो ओरिगेनो भी गिर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, इनको मिक्स कर देंगे हम। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे हम जिससे कि हमारा दूध जल्दी से अच्छे से पक जाए और अच्छी क्रीमी सॉस बन सके। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स 1 चम्मच के करीब, और इसको पका लेंगे अच्छे से। यह हमारी सॉस अच्छे से गाढ़ी हो रही है, गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे इस समय। इस समय डालेंगे हम 2 पीस स्लाइस, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मेयोनीज, आपका दिल करे तो डालना, ये ज़रूरी नहीं है। ये मैंने 2 चम्मच मेयोनीज डाली है, और इसको मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे थोड़ी सी मोजरेला चीज़, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालना, ये नहीं तो ऐसे भी टेस्टी लगती है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसको हम पका लेंगे। ये हमारी मैक्रोनी बनकर रेडी हो गई है। अब कर देते हैं हम गैस बंद और इसको सर्व करते हैं। ये हमारी बिल्कुल क्रीमी क्रीमी
मैक्रोनी बनकर रेडी हो गई है। ये सिर्फ 5 मिनट में बनती है, तो जब भी बच्चों को भूख लगे तो बना के दे फटाफट।